डी स्टूडेंट एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटा या एस्टिमेटेड वैल्यूज़ की करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए कैसे उसके हम इन्श्योर करेंगे कि वो ब्लू प्रॉपर्टीज पूरी कर रहा है या नहीं हमने देखा कि जो एरर है जो रेजिडुअल है वो किस तरह मूव करता है एक टर्म uh, का दूसरी के साथ क्या रिलेशन होता है एक कंटेंट का दूसरे के साथ क्या होता है इन चीज़ों को दिस then uh, we are going to discuss another very important aspect of uh, regression which is coefficient of determination uh, you have already discussed about coefficient of determination lekin ab hum isko matrices approach mein kis tarah estimate karenge apne model se aur hota kya hai किस तरह हमने ensure करना है कि ये हमारा uh, best model को show कर रहा है या नहीं ये जो uh, coefficient of determination है इसको simply हम कहते हैं this is your R square आर uh, स्केर क्या होता है दिस इज बेसिकली गुडनेस या गुड फिट ऑफ द मॉडल को बताता है कि आपका मॉडल कितना गुड फिट है गुड फिट मीन्स के लाइक यू हैव इफ यू हैव ओनली टू वेरिएबल वन इज़ इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड वन इज डिपेंडेंट तो आर स्केर या क्वाफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ये शो करता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने से डिपेंडेंट में कितनी चेंज आती है वेदर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट आर एसोसिएटेड के अगर इंडिपेंडेंट में कुछ मूवमेंट होती है तो क्या वो डिपेंडेंट पे इंपैक्ट करेगी अगर करेगी तो कितना के कि या जे इसको हम कहते हैं एक्सप्लेंड वेरिएशन जो वेरिएशन है डिपेंडेंट वेरिएबल ये कितनी इंडिपेंडेंट की वजह से है और कितनी अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है लाइक इफ़ यू हैव द मॉडल ऑफ क्वांटिटी डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस तो उसमें जो क्वाफिशन ऑफ डिटर्मिनेशन है वो बताएगा कि आपकी जो प्राइस चेंज होने से कितनी डिमांड चेंज हो रही है और कितनी डिमांड में चेंज प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर उसमें रोल प्ले कर रहे हैं तो उसमें हम जो क्वाफिशन ऑफ डिटर्मिनेशन है scale, ये uh, को शो करेगा और इसकी वैल्यू जनरली लाइक करते हैं फ्रॉम जीरो टू वन जीरो मीनस के आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज है इंडिपेंडेंट की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा अगर इसका वन मतलब है तो इसका मतलब हंड्रेड परसेंट चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज बिकॉज ऑफ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये दोनों आइडियल सिचुएशन है थोरेटिकली हम डिस्कस कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता अब इफ योर आर स्केर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन इट मीन्स के सेवेंटी परसेंट चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल आर बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड थर्टी परसेंट चेंजेस आर नॉट एक्सप्लेड इन द मॉडल जैसा मैंने पहले बताया कि योर टोटल सम ऑफ स्केर इज इक्वल टू एक्सप्लेन सम्केर प्लस रेजिडुअल सम ऑफ स्केर एंड इफ योर टोटल सम ऑफ स्केर टोटल वेरिएशन इज हंड्रेड आर स्केर इज सेवेंटी तो इसका मतलब है कि सेवनटी इज योर एक्सप्लेन समेल प्लस जो रेजिडुअल सम ऑफ स्केर है इट थर्टी तो थर्टी प्लस सेवनटी इज इक्वल टू हंड्रेड टी एस एस इज इक्वल टू ई एस एस प्लस आर एस एस अब इसको हम कैसे एस्टिमेट करते हैं किस तरह हम इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे उसके लिए बाई यूजिंग मैट्रिस अप्रोच ये बहुत सिंपल फार्मूला है आर स्केयर का इज इक्वल टू आपका जो बीटा का जो वेक्टर होगा उसका आपने ट्रांसपोज लेना है इन टू एक्स का ट्रांसपोज इनटू वाई माइनस एन इनटू वाई बार का स्केयर वाई बार आपको पता है दिस इज योर मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय वाई जो वेक्टर है इट्स ट्रांसपोज इंटू वाई माइनस एन इंटू वाई बार का स्केर ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आप कर चुके हैं अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं सेकेंडली जो आपसे मैंने शेयर किया है कि आर स्केर इज बेसिकली एक्सप्लेन सम ऑफ स्केर और कितनी एक्सप्लेन सम ऑफ स्केर है एंड एक्सप्लेन सम ऑफ समेल डिवाइडेड बाई टोटल सम ऑफ स्केर तो इससे हम भी आर स्केर फाइंड कर सकते हैं एंड बाई यूजिंग योर फार्मूला अप्रोच या डिविशन फॉर्म उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं लेकिन मॉडल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आर स्केर की वैल्यू कितनी है इफ़ आर स्केर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू इट मीन्स के ओनली ट्वेंटी परसेंट चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल आर बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एटी परसेंट चेंजेस आर नॉट एक्सप्लेन इन द मॉडल इट मीन्स के मॉडल इज नॉट अ गुड फिट कि आपका जो डेटा है वो एक, जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रॉपर नहीं कर पा रहा तो इसलिए हमने आर स्केर पर भी फोकस करना होता है